मम्मीज, आज हम बनाएंगे स्माइली, किड्स की सबसे फेवरेट स्नैक्स। तो अब जो बच्चे बोले तो मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप 10 मिनट्स में उनकी फेवरेट स्माइलीज बना के उनको खुश कर सकते हो। तो आइए देखते हैं उसका प्रोसेस। ये मैंने स्मॉल से थोड़े बड़े साइज में आलू लिए हैं, बॉयल आउट आलू। अब इसको हम मैश करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इन सबको हम मैश कर लेंगे। आलू मैश करने के बाद इसको थोड़ा सा ऑरिगेनो इसमें डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके प्लेट में ऑयल लगा के इसको अच्छे से फैलाएंगे, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स करके प्लेट में इसको फिर फैलाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया सारी चीज़ें, ऑरिगेनो, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब एक एग को इतनी क्वांटिटी में, एक एग को अच्छे से फेंट के इसको भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से ये पेस्ट हो जाए, बन जाए, फिर प्लेट में ऑयल की थोड़ी सी ग्रीसिंग करने के बाद ये जो स्टफ है ये इसके ऊपर अच्छे से फैलाएंगे। और फैलाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से थिन लेयर की केक की तरह ये जम जाए। तो इसको अच्छे से फैलाते हैं और फैलाने के बाद इसको फ्रिज में रखते हैं। ये फ्रिज से निकाला और ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, सिर्फ 10 मिनट्स में ही थोड़ा सा वो हो जाएगा और ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है स्पार्क कर लेंगे और फिर इसको निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो ये सरफेस इसको मिल गया। अब स्मॉल साइज़ का ग्लास, कटोरी, कुछ भी लेके हम इसके सर्कल कट कर लेंगे। ऐसे हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद पेंसिल की हेल्प से इसके आईज बनाएंगे और स्पून से ये स्माइली या सैडी या फिर लाफिंग, जो भी आप शेप देना चाहते हो वो आप शेप दे सकते हो। लाफिंग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना के हम इसको स्माइली तैयार करते हैं और उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक। तो ये ब्यूटीफुल और यम्मी स्माइली रेडी है। मैं जा रही हूँ सरप्राइज देने अपने बच्चों को। तो अब बारी आपकी है, फटाफट ट्राई करो और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।